सदन प्रभात मीडिया परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपके पास कोई जन समस्या है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जियो, डेली हंट जैसी तमाम नेटवर्किंग साइट पर देख सकते हैं। सदन प्रभात से जुड़े रहने के लिए आप सभी का अभिनंदन। यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। मंदिर में श्रद्धालुओं पर लाठीचार्ज और पत्रकारों से पुलिस ने की अभद्रता। एक तरफ जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पत्रकारों की सुरक्षा व उनकी हक की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की लालगंज पुलिस बेलगाम नजर आ रही है। ताज़ा मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बलेश्वर मंदिर का है, जहां पर पुलिस द्वारा कुछ भक्तों पर लाठीचार्ज कर दिया गया था। वहीं मौजूद कुछ पत्रकारों ने वीडियो बनाना चाहा तो पुलिस को नागवारा गुजरा और जिसके बाद पुलिस ने पत्रकारों पर ही अभद्रता करना शुरू कर दिया और माइक आईडी तक तोड़ डाली, जिसके बाद पत्रकारों ने एसडीएम से इसकी लिखित शिकायत की, फिर भी न्याय नहीं मिला, जिसके बाद मंगलवार को लालगंज के पत्रकारों ने इसकी लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार से की और ज्ञापन सौंपा। वहीं यूपी जर्नलिस्ट के प्रांतीय महामंत्री राधे श्याम लाल कृष्ण ने बताया कि लालगंज में हुए पत्रकारों की अभद्रता को लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय का आज ज्ञापन दिया गया है। जिस पुलिसकर्मी ने पत्रकारों पर अभद्रता की है उस पर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। वहीं अब देखने वाली बात ये होती है कि क्या पुलिस अधीक्षक इस पर कार्रवाई करते हैं या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को यूं ही दर बदर भटकना पड़ेगा। लालकर्ण यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रांतीय महामंत्री एवं जिलाध्यक्ष रायपुर कहाँ आए हुए हैं आज आपको? आज लालगंज में जो पत्रकारों पर मैं लाठी चली और उनके आईडी तोड़ दिए गए, उस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया गया है तत्काल निस्तारण के लिए, और जो जिम्मेदार हैं जिन्होंने गलती किया है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या आश्वासन मिला यहाँ से आपको? आश्वासन मिला है कि एक से दो दिन के अंदर ये सारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। जांच के लिए एसपी साहब वो सीओ लालगंज को दे दिया गया है और संभवतः आज ही उस पर मैं वो अंतिम रिपोर्ट दाखिल। अगर कार्यवाही नहीं होती है तो क्या करेगा संगठन? संगठन जो है सो एसओ लालगंज को निलंबित कराने के लिए अपर मुख्य सचिव गृह से मिलेंगे और डीजीपी से मिलकर उनको निलंबित कराएंगे।